So welcome friends to this second session of GD&T. आपका स्वागत है इस why GD&T? GD&T हमें क्यों चाहिए, इसके क्या लाभ है? So why do we need GD&T? हमें GD&T क्यों चाहिए? GD&T हमें इसलिए चाहिए क्योंकि GD&T is the foundation of a robust design. जो एक अच्छा बढ़िया डिज़ाइन होगा ये उसका आधार है. उसमें किसी तरह की त्रुटियां नहीं होंगी, एरर्स नहीं होंगे, इश्यूज नहीं होंगे और वो जो भी स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करके बनाया गया होगा. GD&T इज़ अ बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डिज़ाइन. तो जैसे किसी एक बिल्डिंग के खड़े होने से पहले उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है और उसके बाद में उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके बाद में बाकी के जो डिटेल्स हैं वो बनाए जाते हैं. तो उसी तरह से GD&T जो है एक आधार है, एक सहारा है एक अच्छे डिज़ाइन का. सो इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑफ द डिज़ाइन एंड रिमूव्स स्कोप ऑफ एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी संदेह कि जो डिज़ाइनर था वो क्या कहना चाहता था, उसको क्या चाहिए था. और जहाँ पे भी कहीं पे दो तरह की ऑप्शन हो कि ऐसे करें या ऐसे करें तो उसमें गलती होने के चांसेस हैं. तो ये सब चीज़ों को, त्रुटियों को, एरर्स को ये दूर करता है, इसलिए हमें GD&T चाहिए होता है. एक उदाहरण हमने लिया है, एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए एक डिज़ाइन इंजीनियर था, उसको ऐसा एक कंपोनेंट चाहिए था. तो आप देख रहे हैं कि एक पिन टाइप है, इसमें तीन लेवल हैं, शाफ्ट है, डायामीटर है और एक शेप है और यहाँ पे एक होल है, राइट. अगर उसको ऐसा कंपोनेंट चाहिए था तो देखने में लगता है कि ये इसकी ड्राइंग सही है क्योंकि इसमें तीनों, लेट्स से कि सबसे पहले ये वाला डायामीटर दिखाया हुआ है, उसके बाद में ये वाला डायामीटर दिखाया हुआ है और उसके बाद में ये वाला डायामीटर है और इसका जो अंदर होल है वो यहाँ पे दिया हुआ है. तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें और तीनों के स्टेप्स दिए हुए कि इसकी लंबाई कितनी है और इसके बाद में इस तरफ की लंबाई कितनी है, सब कुछ दिया हुआ है. और यहाँ पे देखिए 0.062 इसकी डेप्थ भी यहाँ पे राइट साइड पे शो की हुई है. तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये डिज़ाइनर ने ड्राइंग बना के रिलीज कर दी. अब हुआ क्या कि मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर था, मेरे पास ये ड्राइंग आई, अब मैंने बना दिया ये पार्ट, ओके. अब इसमें अगर आप देखें तो चाहिए तो उसको ये था लेकिन ये बन गया ये. इसमें क्या हुआ कि जो पीछे जो होल था ये सेंटर पे ना होके एक तरफ को शिफ्ट हो गया और ये जो पिन थी वो भी सेंटर पे ना बन के वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई. तो अब जब डिज़ाइनर ने ये कंपोनेंट हाथ में आया और उसने देखा कि ये क्या बन गया, तो उसने उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे उसने कुछ GD&T के कुछ जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स थे, जो परिभाषा थी, उसको नहीं डाला जिसके कारण से ये त्रुटि हो गई. तो क्योंकि अगर इसको हम एक और एंगल से देखें तो ये भी पॉसिबिलिटी है. तो अब क्योंकि वो चीज़ें नहीं थी, पार्ट मैं नहीं चाहता कि रिजेक्ट हो, तो और मुझे GD&T की नॉलेज भी थी तो मैंने डिज़ाइनर से बात की कि आपने ये तो डाला नहीं तो मेरा पार्ट आप रिजेक्ट है ऐसा कह नहीं सकते, मेरा जो पार्ट है वो ओके है. आप इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, इनको हम GD&T से अवॉइड कर सकते हैं. तो ये एक उदाहरण हमने लिया इस चीज़ को समझाने के लिए कि सभी कंट्रोल्स डालने बहुत ज़रूरी हैं. तो इसका रूट कॉज आप समझ ही गए होंगे कि जो लोकेशनल कंट्रोल्स थे वो इसमें नहीं थे और इसमें जो इसने क्या किया, उसने एक आधार, डेटम बोलते हैं, एक आधार बनाया. तो ये डेटम ए इसने डाला कि इससे सब कुछ बनाना है और क्या करना है, अप्लाइड डेटम ऑन प्राइमरी फीचर एंड कंसेंट्रिसिटी कंट्रोल्स ऑन डिपेंडेंट फीचर. अब ये जो पिन थी ये इस आधार पे थी कि ये ए से कितनी कोएक्सियलिटी पे हो, यानी कि दोनों के जो सेंटर हैं, इस डायमीटर का सेंटर और इस डायमीटर का जो सेंटर है ये आपस में कितनी दूर अलाउड हैं. तो वो उसने, डिज़ाइनर ने ये यहाँ पे भी डाला और जो ये पीछे जो यहाँ पे होल था उस पे भी इसने ये इसको अंदर कंसेंट्रिसिटी का सिंबल डाला जिसका आधार ए से रेफर किया. तो अब क्या है कि अब ये ड्राइंग पक्की होगी. तो ये एक एग्जांपल था इस स्टेज पे, बाकी हम इसके जो और डिटेल हैं वो आने वाली
स्लाइड्स में और प्रेजेंटेशन में देखेंगे समझेंगे। सो ये आधार था ए और इसके कंसेंट्रिसिटी के कोएक्सियलिटी के ये दो सिंबल्स थे। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने एक नया शब्द सुना होगा डेटम, आधार, ये क्या होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक खास चीज रहती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि हम कौन से फीचर को किस दिशा में हिलना, यानी कि इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, या उसके अंदर कितना घुमाव अलाउड है कि नहीं। तो जब भी कभी हम कुछ बनाते हैं तो उसके लिए आधार सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। डेटम क्या होता है, व्हाट इज़ अ डेटम? डेटम, अ डेटम इज द ओरिजिन फ्रॉम विच द लोकेशन और ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ अ पार्ट आर एस्टेब्लिश्ड। डेटम वो आधार होता है जहाँ से कौन सा फीचर कितनी दूरी पे है या कोई भी जो ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनका आधार क्या है, जैसा कि अभी हमने एक पीछे वाले एग्जांपल में उदाहरण में देखा था। तो डेटम फीचर क्या होता है कि एन एक्चुअल फीचर ऑफ अ पार्ट दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ डेटम। कि इसमें कैसे कर सकते हैं कि कोई भी एक कोई फीचर है उसको भी आधार बना सकते हैं, जैसे कोई होल हुआ या कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक हुआ या कोई भी फीचर हुआ उसको भी बना सकते हैं, और जो आउटर एजेस हैं या सरफेसेस हैं उसको भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए इसको ही हम मान लेते हैं कि ये कोई ब्लॉक था या कोई एक शीट थिक ब्लॉक ऑफ स्टील था, तो उसके जो फेस होता है उसके ऊपर ऐसा एक ट्रायंगल सॉलिड फील्ड बनता है और एक इस तरह से एक जैसे बोर्ड होता है, कहीं पे भी बोर्ड फिक्स करते हैं तो उस तरह से लगा के उसके अंदर एक सिंबल ऐड कर दिया जाता है। और ये भी कन्वेंशन इसमें फॉलो करते हैं कि ए से स्टार्ट करें, मतलब पी क्यू आर एस टी भी कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ये एक डेटम का सिंबल होता है जो जी डी एन टी में लगाया जाता है। थ्योरेटिकल पॉइंट, थ्योरेटिकली एग्जैक्ट पॉइंट, एक पॉइंट को भी बना सकते हैं, एक्सिस को बना सकते हैं, किसी प्लेन को बना सकते हैं जो कि डिराइव फ्रॉम द ट्रू ज्योमेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड डेटम फीचर। सो जो भी ये फीचर होते हैं उसके किसी भी चीज़ को एक आधार बना सकते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया कि कोई पॉइंट हो सकता है, एक्सिस हो सकती है, प्लेन हो सकता है, राइट? अब बात आ जाती इसका इसकी जरूरत क्यों है। ये जरूरत इसलिए है टू इमोबलाइज, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, इमोबलाइजिंग ऑफ अ रिजिड बॉडी इन स्पेस। कि कोई भी एक रिजिड बॉडी है उसको स्पेस में, 3D स्पेस में उसको फिक्स किया जा सके। रिस्ट्रिक्टिंग अनडिजायर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि वो इधर उधर हिलती रहेगी तो आधार नहीं बनेगा, राइट? तो ये कार्टेशियन सिस्टम है, आपने देखा ही होगा। तो इसमें ये देखिए, यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन है, इसके 90 डिग्री पे ये वाई रहता है और इसके इन दोनों के 90 डिग्री पे ये जेड रहता है, राइट? तो एक एक करके हम तीनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ लेते हैं। तो इसको पहला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद नहीं, यहाँ पे मूवमेंट माना जाता है, ओके? तो ये ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है एक्स एक्सिस में, एक इस तरह से। तो वैसे इसको कोई फीचर है, पार्ट है, उसको दिखाया जा सकता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए आधार चाहिए होता है किसी एक दिशा में या उसके दूसरी दिशा में, ये वाई डायरेक्शन का हो गया। और इसी तरह से आप समझ गए होंगे ये थर्ड आ जाता है जेड डायरेक्शन का। तो ये तीन तरह की ट्रांसलेशन जो पॉसिबिलिटी होती है उसको रोका जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसलिए डेटम की जरूरत होती है। इसी तरह से हम दूसरा आ जाता है रोटेशन, ओके? इमोबलाइजिंग ऑफ अ रिजिड बॉडी इन स्पेस, रिस्ट्रिक्टिंग अनडिजायर्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये हम इसका रोटेशन देखेंगे, इसको पूरे को घुमाना ठीक नहीं था तो एक सिंबल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। रोटेशन ये डायरेक्शन इसको जो एक्स वाई जेड जैसे होता है इसी तरह से यू वी डब्ल्यू से डेजिग्नेट करते हैं। तो ये इस तरफ घूम सकता है, राइट? या ये इस तरफ भी घूम सकता है। तो इन दोनों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी डेटम चाहिए होता है। क्विकली हम कवर करते हैं इसको, आप समझ गए होंगे। इसी तरह से जो ये वाई डायरेक्शन का घुमाव को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया,
ये पॉसिबिलिटी सी, इसको रोकना होता है। और इसी तरह से जेड, तो यू वी डब्ल्यू इनके कन्वेंशनल सिंबल हैं जिससे कि हम ये समझाते हैं। सो अब हम आ जाते हैं कि उसके लाभ क्या है, हमें क्या लाभ होता है, क्यों क्या फ़ायदा होता है, एडवांटेज क्या होती है जी डी एन टी को लगाने से। एक एक करके कुछ पॉइंट्स को हम समझेंगे पढ़ेंगे। इंश्योर्स द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स आर कैरिड आउट, कि जो भी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है वो ठीक तरह से समझ में आए और उसके हिसाब से जो पार्ट्स है वो बन सकें। सो जी डी एन टी फैसिलिटेट्स एन एफिशिएंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट स्पेसिफिक डेटम ऑन अ पार्ट। तो जी डी एन टी से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक कोई डेटम होता है वो बता पाते हैं। विदाउट द यूज ऑफ डेटम सिस्टम जीरो रेफरेंस ऑन अ पार्ट इट इज़ नॉट क्लियर टू मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चरिंग हेयर इट मीन्स द टीम द मैन्युफैक्चरिंग टीम और क्वालिटी जो क्वालिटी की टीम होती है वेयर टू मैन्युफैक्चर और मेजर फ्रॉम कि उसको कैसे बनाया जाए या कैसे नापा जाए, इसलिए ये जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक कास्टिंग लग रही है एल्यूमिनियम की बाय द लुक्स ऑफ इट। तो इसमें अगर हम इसको एक क्विक लुक में देखें तो हम हमें क्या करना चाहिए कि हमें इमिडिएटली हमें देखना चाहिए कि ए डेटम कहाँ है। तो इसको देखते ही हमें क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले ये इस सतह के लिए जो डिज़ाइनर है वो कह रहा है कि ये एक सिंबल है, हम आगे आके पढ़ेंगे, इसकी फ्लैटनेस चाहिए 0.2। तो इससे हमें पता लग जाता है कि सबसे पहले हमें ये वाला सरफेस बनाना चाहिए और इसको 0.2 के अंदर अंदर हमें मेंटेन करना है, और ये आधार बनता है ए। अब हम दूसरा देखें कि बी कहाँ पे है, ये आ जाता है। अब देखिए बी, तो बी क्या है, एक होल बताया गया। तो अब हमें क्या करना है, 0.6 का एक होल बनाना है जो कि परपेंडिकुलर हो, यानी कि जो इस देखने की दिशा है जेड प्लेन से अगर हम देखें तो वो एक सिलेंड्रिकल स्पेस है 3D जिसका डायमीटर 0.2 है और वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, ये भी एक परिभाषा है, इसको हम आने वाले समय में देखेंगे समझेंगे ए से। यानी कि अगर ये सतह है तो उस सतह के ऊपर एक 6 मिलीमीटर का ड्रिल किया जाएगा या जो भी बोरिंग की जाएगी, ये हमें दूसरा फीचर बनाना है बी। अब तीसरा आ जाता है सी ढूंढे, तो ये सी से हमें पता लगता है कि हमें एक और उसी तरह का छेद करना है और जिसकी भी प्रोपेंडिकुलरिटी जो है सॉरी पोजिशनल एक्यूरेसी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो प्रोपेंडिकुलरिटी थी क्योंकि ये पहला है। अब यहाँ पे दूसरा एक और सिंबल आ गया कि ये जो है ये इस होल से इसकी जो लोकेशन है वो दूरी जो है उस दूरी में जो अलाउंस है वो एक सिलेंड्रिकल स्पेस है जो कि जिसका डायमीटर 0.2 है, वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अंदर को, यानी कि छोटे से छोटा जो होल होगा उस कंडीशन में, जबकि जो डेटम है वो ए यानी कि वही प्लेन जो पहले वाला था और दूसरा बी यानी कि इस होल से यहाँ पे। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि सी कहाँ पे है, तो ए बी ए हो गया था, बी हो गया, सी हो गया। अब ये देखिए कि यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है चौथी, इसमें कहा गया कि इसकी जो सरफेस प्रोफाइल है यानी कि इसका बाहर की जो सतह है वो सतह में ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा या टेढ़ा मेढ़ा जो भी अलाउड है वो 0.5 के अंदर अंदर है, जबकि हम तीनों रेफरेंसेस का ध्यान रखें ए बी और सी का। इसी तरह से तो थोड़ा सा हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो ये एक एग्जाम्पल था कि एक ड्राइंग में जब ये आधार हो और हर एक का एक को आधार बना के दूसरे को बना के या कभी 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 एक से ज़्यादा आधार, जैसे यहाँ पे एक ए बी सी तीनों है, यहाँ पे ए बी सी तीनों है, ए बी सी तीनों है, तो इस तरह से हम एक ड्राइंग में उसका डिज़ाइन इंटेंट समझ पाते हैं। और ये एक तो पहले सबसे पहले बनाने वाले के लिए और उसके बाद में जिसने उसको नापना है उसको भी क्लैरिटी रहती है कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, राइट। हाँ, अब ये देखिए एक एग्जांपल है नोट्स वर्सेस सिंबल्स का। सो ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग ड्रामेटिकली रिड्यूसेस द नीड फॉर ड्राइंग नोट्स। देखिए आप एक लंबी कहानी लिख सकते थे, आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा होगा कि मुझे कितना बोलना पड़ा, जो कि एक सिंबल से चीज बताई जा सकती थी उसके लिए
कितना बोलना पड़ा, और अगर मान लीजिए यही चीज मुझे किसी पेपर पे ड्राइंग पे करनी है तो कितना मुझे लिखना पड़ेगा। ओके सो ये ड्रामेटिकली मीन्स एक बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हमें रिड्यूस हो जाता है, राइट। द नीड फॉर ड्राइंग नोट्स टू डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, और कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो उसकी, या तो आप कहानी लिखते रहें, पूरा ऐसे लिख देंगे, एक किताब छप जाएगी एक ड्राइंग के ऊपर, उसके बजाय कुछ छोटे मोटे सिंबल्स होते हैं उनको यूज़ करके आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको कन्वे कर सकते हैं ऑन अ कॉम्पोनेंट और असेंबली बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड सिम्बोलॉजी। सिम्बोलॉजी इज द साइंस ऑफ यूजिंग सिम्बल्स। ओके सो ये एक एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया हमने, तो इसमें देखिए आप ये बड़े बड़े नोट्स हैं, डेटम बी बनाया, डेटम सी बनाया, और फिर यहाँ पे डेटम ए बनाया, और इसके ऊपर एक कहानी लिखी हुई है, फ्लैट विद इन 0.001 टोटल डेटम। फिर हमने यहाँ पे डेटम बी के ऊपर एक ट्रायंगल लगा दिया, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक नोट है जिसको जाके नीचे पढ़ो, तो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है सरफेस बी परपेंडिकुलर टू डेटम। सो समझ गए होंगे आप लोग, ये देखिए ड्राइंग विद लॉट्स ऑफ नोट्स, और ये ड्राइंग में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये जितनी भी ये लंबी लंबी कहानी थी इसकी बजाय हमने कुछ सिंबल्स का उपयोग किया, और इससे जो भी ये भाषा जानते हैं जो कि आप सीख रहे हैं और जो लोग और जानते हैं, आपको दो फायदे होंगे, एक तो आप इस भाषा को समझ जाएंगे तो आप ड्राइंग पढ़ना सीख जाएंगे, और अगर ड्राइंग पढ़ना सीख गए तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आप वो पार्ट्स को अच्छे से बना पाएंगे, और अगर आप इंस्पेक्शन में हैं तो उसका नाप तोल कर सकेंगे अच्छे से। सो ड्राइंग विद स्टैंडर्ड GD&T सिंबल्स एंड वैल्यूज। ओके सो यूज ओके एडवांटेजेस की बात आ रही है, यूज ऑफ दिस लैंग्वेज और टूल कैन प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एडवांटेज, स्टेट्स द ASME। ASME का फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ग्लोबली ये ASME स्टैंडर्ड फॉलो होता है, तो इसीलिए वहीं से ये परिभाषा उठाई गई है। सो इससे और क्या फ़ायदा होता है, मैक्सिमाइजेस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, क्वालिटी बनाई जा सकती है क्योंकि समझ सही आएगा, बनाएंगे सही और नपेगा सही तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, बताने का और समझने का जो तरीका है वो यूनिफॉर्म रहेगा, इसमें कोई संदेह का कारण नहीं बनेगा, कोई डाउट का कारण नहीं बनेगा, जिससे कि रिड्यूसिंग गेस वर्क एंड कंट्रोवर्सी। तो इससे क्या होगा कि एक तो ये हो या वो हो उसका नहीं होगा, और गलती से कल को कुछ हो भी जाता है तो किसी तरह की आपस में हमारा डिबेट नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगा कि तुमने ऐसा क्यों बनाया या ऐसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये एक ही भाषा है और उसका एक ही मतलब है, इसलिए जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके हमें क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हमें एडवांटेजेस हैं। देखिए इससे क्या होता है कि हम जो डिज़ाइन में कुछ इश्यूज हैं उनको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कवर प्रॉब्लम्स इन डिज़ाइन इन द डिज़ाइन स्टेट। जो भी हमारी कैलकुलेशंस हैं वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो टॉलरेंसेस हैं, जो GD&T है, उसमें हमने कितना कम से कम और कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, या किसका आपस में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, कोई परपेंडिकुलर है कोई पैरेलल है, ये सभी हम जो भी हमारी इंजीनियरिंग कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। टॉलरेंस एनालिसिस कर सकते हैं सबको ऐड अप करके, ओके या सब्ट्रैक्ट करके, किसका किससे कितना रिलेशन है। यूज स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर टूल्स टू एनालाइज पार्ट्स इन एन असेंबली। आजकल जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग टूल्स हैं उसमें ये मॉडर्न फीचर्स हैं, और जो भी आपके परिभाषा है अगर आप उसमें डालते हैं तो आपको वो दिखा सकता है, बता सकता है थ्रू एनिमेशन कि आपस में कितना उसमें प्ले रहेगा, गैप रहेगा या इंटरफेरेंस रहेगा। ये सब चीज़ हम आज की डेट में कंप्यूटर पे कर सकते हैं, और इसके लिए भी आधार जो बनता है, जो बेस बनता है वो GD&T रहता है। मैन्युफैक्चर और असेंबल पार्ट्स इफेक्टिवली, अब जब ये पार्ट्स बनाने हैं और उसको अगर असेंबल करना है तो वो इस जो नॉलेज है, इस जो बेस है उससे हम अच्छे से कर सकते हैं। इंश्योर दैट पार्ट्स विल असेंबल, पार्ट्स जो होंगे वो असेंबल हो सकते हैं क्योंकि तो हमें उसका रिलेशन पता है। इंश्योर दैट द पार्ट्स आर इंस्पेक्टेड एज इंटेंडेड, जो पार्ट्स बन चुके हैं उसको पहले इंस्पेक्शन किया जा सकता है, असेंबलीज को पार्ट्स को इंस्पेक्शन जल्दी की जा सकती है, इंस्पेक्शन इंस्पेक्ट पार्ट्स मोर क्विकली, क्यों, क्योंकि हमें
क्लैरिटी रहेगी कि बेस क्या है और उस पर डिपेंडेंट जो फीचर है वो क्या है, उस तरह से पार्ट को होल्ड किया जा सकता है और एक ही पोजीशन में, होल्डिंग पोजीशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बाकी एक्सपोज्ड फीचर्स हैं, सरफेसेस हैं, उनको उसके ऊपर जो भी पैरामीटर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। यूज स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर टूल्स टू इंस्पेक्ट द पार्ट। जितने भी मॉडर्न इंस्पेक्शन इक्विपमेंट है, चाहे वो कॉन्टैक्ट टाइप है, चाहे वो ऑप्टिकल टाइप है, CMM है, कंटूर ट्रेसर है, राउंडनेस ट्रेसर है, इनके इन पे जब हम किसी पार्ट को होल्ड करते हैं और जब इंस्पेक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उन पे भी उनके सॉफ्टवेयर में, इंटरफेस में ये सारे GDNT के सिंबल रहते हैं। तो किसको पिक करना है, किसको आधार डेटम बनाना है और कौन से फीचर को कैसे मेजर करना है, पॉइंट कैसे लेना है, सरफेस कैसे बनाना है, तो ये सब अगर इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इंजीनियरिंग का, इंस्पेक्शन का, और ख़ासकर इन सब के होते हुए भी GDNT का नॉलेज रहता है तो हम इन चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। हैव कॉमन पार्ट्स अक्रॉस सिमिलर असेंबलीज। GDNT का एक ये भी है क्योंकि उसमें टॉलरेंसेस हैं, जब वो ड्राइंग पे बन गए हैं, अब ये पार्ट कहीं भी दुनिया में बनेंगे तो वो आपस में असेंबल हो पाएंगे। डिज़ाइन सब असेंबलीज इन डिफरेंट लोकेशंस एंड हैव देम फंक्शनली करेक्ट, फंक्शन करेक्टली, यानी कि वही वाली बात है कि जब अगर डिज़ाइन क्लियर है और फिट्स एंड टॉलरेंसेस क्लियर हैं तो ये आप कहीं भी बने और कहीं भी असेंबल हों, ये सही तरीके से होंगे। अगर वो भाषा को बनाने वाले ने सही उपयोग किया है डिज़ाइन के टाइम में और फिर पार्ट्स को बनाने वाले ने और इंस्पेक्शन करने वाले ने, तो ये जो ऑब्जेक्टिव रहता है ये अचीव हो जाता है। मेक अ रिप्लेसमेंट दैट फिट्स इनटू द असेंबली। कल को अगर हमारा कोई पार्ट वियर एंड टियर टाइप हो या कोई एक्सीडेंट हो या ब्रेकडाउन हो तो टूट जाए तो रिप्लेसमेंट पार्ट्स बन सकते हैं और उसमें आसानी से फिट हो सकते हैं। एंड फाइनली सेव्स मनी बाय प्रिवेंटिंग स्क्रैप और रीवर्क। हम सब जानते हैं कि अगर सही से कोई चीज़ ना समझी हो, बनाई हो और करी हो तो फिर उसमें उसको या तो रिपेयर करना पड़ता है, रीवर्क करना पड़ता है, और अगर ये दोनों ही नहीं हो पाए तो फिर वो स्क्रैप हो जाता है और इससे बहुत हमारा लॉसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी होता है। तो ये सब इसके एडवांटेज हैं, लाभ हैं, इसको जानने से हम ये सारे जो नुकसान हैं, जो हमारे वेस्टेजेस हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके साथ आप ये सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।